ये जो भारत है ये भूगोल मात्र नहीं है, इसके नागरिकों में क्या कोई समानता का भाव पैदा हुआ, क्या साझा मोहब्बत का एक भारत पैदा हुआ, साझा सुख साझा दुख की विरासत से कोई एक साझापन पैदा हुआ कि कश्मीर वाले को दर्द हो तो कन्याकुमारी वाले को महसूस हो, बस्तर में आदिवासियों पर कोई गोली चले तो गंगा जमुना के किनारे पर बैठे किसी मैदानी इलाके के व्यक्ति को महसूस हो, किसी दलित पर अगर कोई अत्याचार हो, किसी मुसलमान पर अत्याचार हो तो किसी सवर्ण को महसूस हो, किसी महिला पर कोई अत्याचार हो तो किसी पुरुष पर महसूस हो, अगर ये साझापन नहीं है तो माफ करिए हम कोई राष्ट्र नहीं है। ये झूठ का एक नक्शा बना करके राष्ट्र नहीं बनता, राष्ट्र भूगोल से नहीं बनता, राष्ट्र इस देश के लोगों से बनता है और लोगों के साझा मोहब्बत से बनता है, साझा सुख दुख से बनता है। आप 75 साल में इस बात का विश्लेषण करिए कि क्या वो साझापन बना या वो साझापन तोड़ा जा रहा है, क्या वो खाई कहीं फिर से बढ़ाई तो नहीं जा रही है, अगर बढ़ाई जा रही है तो इस जश्न को मत मनाइए आप, चलिए आपस के रिश्तों को जोड़िए कि जो हमारे पिताजी के सबसे अच्छे मित्र थे डॉक्टर वसूल हसन, और हम लोग ईद मनाने उनके जाते थे, वो होली मनाने हमारे यहाँ जाते थे। आज पता चला कि सरकार कह रही है कि 800 साल का हिसाब हम लेंगे, तुम्हारी मस्जिद के नीचे मेरा शिवलिंग है, तुम्हारा धर्म हमारे धर्म के लिए खतरा है, मैं कैसे साझापन में मनाऊंगा कि वो दोनों एक ही भारत के रहने वाले थे। इसलिए मेरी चिंता बतौर नागरिक ये होनी चाहिए कि मेरा राष्ट्र कहीं कमजोर तो नहीं किया जा रहा है, और भीतर से खोखला करके बाहर से बड़ा बड़ा झंडा, बड़ा तिरंगा और पूरा तिरंगा मैं कर दो, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा धोखा है। अरे मैं पूछता हूँ कि कांवड़ होने, हिंदू धर्म को बचाने, अमृत महोत्सव को बचाने, इस देश के अधिकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेट नेता बड़े बड़े उद्योगपति उनके घर के बच्चे क्यों नहीं जाते भाई, धर्म को बचाना उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है, इस देश के गरीब कमजोर मजलूम की रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। बतौर नागरिक मेरे देश का अमृत महोत्सव तब साकार होगा जब इस मुल्क के आखिरी व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुनिश्चित होगा, बिना इसके कोई अमृत महोत्सव का मतलब नहीं। जश्न वो मनाएं, तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है, बाघ की बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को राष्ट्रभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। अब सवाल ये है कि डीपी लगाना अगर संविधान में लिखा होता कि जो ट्विटर बनेगा 2010 के बाद, फेसबुक आएगा 2000 के बाद, उस पर जो तिरंगा अपनी डीपी नहीं लगाएगा वो अच्छा नागरिक नहीं होगा, तब मैं सोचता कि मेरे ऊपर दबाव है, ये तो संविधान में कहीं नहीं लिखा, इस पर कोई नियम कानून नहीं बना है। और दूसरी बात ये कि कोई भी भावनात्मक विषय को कोई भी व्यक्ति ये नहीं तय कर सकता कि इसी रास्ते जो चलेगा वही उसका सम्मान करेगा, जो उस रास्ते से दाएं बाएं वो नहीं है। यानी आप अपने घर में माँ बाप से किस तरह से प्रेम करते हैं ये सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, सब एक जैसे क्यों करें भाई, ये तो सरकार लगवा रही है ना, सरकार अपने ढंग से काम करती है। सरकार का अब विश्लेषण आप कर सकते हैं कि सरकार तिरंगे के जरिए क्या वाकई किसी किस्म के राष्ट्र प्रेम जो कि कम था, थर्मामीटर राष्ट्र प्रेम वाला लगा करके सरकारों ने देखा और उस थर्मामीटर से नापा पहले कि इस देश में अगर तिरंगा नहीं लगेगा तो देश के नागरिकों की राष्ट्रभक्ति थोड़ी कम हो रही है, तो चलो सब लोग तिरंगा लगाओ, ऐसा तो नहीं हुआ ना, कहीं ऐसा तो नहीं हम उस भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय, हम प्रोफेसर लोग हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, समझते हैं कि राजनीति कैसे होती है, नीतियाँ कैसे बनती है, प्रचार कैसे होता है, कोई भी काम का इवेंट कैसे किया जाता है, तो हम उसके पर्दे के पीछे का भी सच देखना चाहते हैं कि हर घर तिरंगा ये एक पक्ष है, हर घर में रोटी है कि नहीं ये उसका दूसरा पक्ष है, हर घर में महंगाई का कितना असर है, बेरोजगारी का कितना असर है, नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा ख़त्म हो गई, उस घर में क्या होगा, केवल तिरंगा कैसे तिरंगा लगेगा, जिस घर में रोटी नहीं, जिस घर में अत्याचार दमन हो रहा है, जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है, जिस घर में 4-5 बच्चे पढ़ाई लिखाई करने से मोहताज हो गए, पढ़ाई लिखाई कर ली तो नौकरी नहीं मिली, उस घर में तिरंगा कैसे लगेगा, कैसे वो राष्ट्र प्रेम करेगा। गोपाल दास नीरज की कविता है, तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है, बाघ की बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को राष्ट्रभक्ति सिखाने वालों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। जो अमृत है वो पात्र लोगों को मिलेगा, जो अमृत महोत्सव है वो महोत्सव किसके लिए होता है, भूख से जो बिलख रहा है उसके लिए कोई तीज त्योहार नहीं होता, वैसे महोत्सव जिसका पेट भरा है उसके लिए है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक गरीब आदमी महोत्सव की तरह इसे नहीं ले रहा होगा,
इसका अर्थ ये कतई नहीं कि उसके मन में अपने अपने देश के प्रति कोई प्रेम नहीं है, वो अलग किस्म का प्रेम होगा। कैसे कम हो रही है? जगाने के लिए भाजपा जब जब सरकार में आती है तो हिंदू खतरे में हो जाता है, जब भाजपा की सरकार नहीं होती तो हिंदू खतरे में नहीं होता। वैसे ही जब कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनकी देशभक्ति खुद संदिग्ध है वही सत्ता में आ गए इसलिए बाकी सबको संदेह की नजर से देख रहे हैं। हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे, कोई पता नहीं क्या राष्ट्र होता है, क्या ये सब होता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी को उत्साह होता था, पैसे नहीं होते थे तिरंगा खरीदने के लिए, एक कॉपी से पन्ना फाड़ते थे पिछले पन्ने से और ऊपर जो है कई बार फूल से लाल गुड़हल से ऊपर वाले को ऐसे रगड़ दिया, गुड़हल की पत्तियों को रगड़ दीजिए तो लाल हो जाएगा, हरी पत्तियों को नीचे रगड़ दीजिए तो हरा हो जाएगा, बीच में पेंसिल से चक्र बना के, और बांस की कैन होती थी पतली पतली लंबी लंबी उसमें ऊपर बांध करके और पूरे गाँव में घूमते थे, दौड़ते थे, वंदे मातरम इंकलाब के नारे लगाते थे। किसी ने सिखाया नहीं था, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से आ जाता है कि मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, मुझे इससे प्रेम करना है। ये जो सिखाया जाए ना जानबूझ करके, इसमें संदेह पैदा करना एक नागरिक का धर्म है। क्योंकि राष्ट्र का मतलब क्या, केवल 75 साल में इस बात का विश्लेषण करना कि हम आज़ादी के जश्न मना रहे हैं, ये अच्छी बात है। नागरिक का इससे बड़ा धर्म यह है जश्न मनाओ सरकार, और नागरिक सरकार से सवाल पूछे 75 साल में हम कहाँ पहुँचे, बतौर नागरिक मेरी शिक्षा के लिए क्या बेहतरी का इंतजाम हुआ, क्या इस देश के हर नागरिक की जेब में पैसा है कि नहीं, उसकी जाति छोटी या बड़ी, उसकी शिक्षा का इंतजाम 75 साल में हमने किया कि नहीं, कोई खांसी जुकाम नजला से न मर जाए, स्वास्थ्य की सुविधाओं का जुगाड़ हमने किया कि नहीं, क्या हमने हर घर रोटी पहुंचाई, क्या हमने हर घर आवास दिया। 6 चीज़ें थी एक ज़माने में, बुनियादी सुविधाएं कहा जाता था रोटी कपड़ा मकान, अब 3 चीज़ें और जोड़ लीजिए उसमें, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। तो ये रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार क्या 75 साल में हम अपने नागरिकों तक बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना गरीबी अमीरी देखे, बिना भूगोल देखे, बस्तर बकसवा के जंगलों से लेकर के कश्मीर की पहाड़ियों तक, कन्याकुमारी के समुद्र के तीर से लेकर के नागालैंड के पठारी इलाकों तक, और गंगा जमुना के दोआब से लेकर नर्मदा और गोदावरी के तट तक, ये जो भारत है ये भूगोल मात्र नहीं है, इसके नागरिकों में क्या कोई समानता का भाव पैदा हुआ, क्या साझा मोहब्बत का एक भारत पैदा हुआ, साझा सुख साझा दुख की विरासत से कोई एक साझापन पैदा हुआ कि कश्मीर वाले को दर्द हो तो कन्याकुमारी वाले को महसूस हो, बस्तर में आदिवासियों पर कोई गोली चले तो गंगा जमुना के किनारे पर बैठे किसी मैदानी इलाके के व्यक्ति को महसूस हो, किसी दलित पर अगर कोई अत्याचार हो, किसी मुसलमान पर अत्याचार हो तो किसी सवर्ण को महसूस हो, किसी महिला पर कोई अत्याचार हो तो किसी पुरुष पर महसूस हो, अगर यह साझापन नहीं है तो माफ़ करिए हम कोई राष्ट्र नहीं है। यह झूठ का एक नक्शा बना करके राष्ट्र नहीं बनता, राष्ट्र भूगोल से नहीं बनता, राष्ट्र इस देश के लोगों से बनता है और लोगों के साझा मोहब्बत से बनता है, साझा सुख दुख से बनता है। आप 75 साल में इस बात का विश्लेषण करिए कि क्या वो साझापन बना या वो साझापन तोड़ा जा रहा है, क्या वो खाई कहीं फिर से बढ़ाई तो नहीं जा रही है, अगर बढ़ाई जा रही है तो इस जश्न को मत मनाइए आप, चलिए आपस के रिश्तों को जोड़िए। कि जो हमारे पिताजी के सबसे अच्छे मित्र थे डॉक्टर वसूल हसन, और हम लोग ईद मनाने उनके जाते थे, वो होली मनाने हमारे यहाँ जाते थे, आज पता चला कि सरकार कह रही है कि 800 साल का हिसाब हम लेंगे, तुम्हारी मस्जिद के नीचे मेरा शिवलिंग है, तुम्हारा धर्म हमारे धर्म के लिए खतरा है, मैं कैसे साझापन में मनाऊंगा कि वो दोनों एक ही भारत के रहने वाले थे। इसलिए मेरी चिंता बतौर नागरिक की होनी चाहिए कि मेरा राष्ट्र कहीं कमजोर तो नहीं किया जा रहा है, और भीतर से खोखला करके बाहर से बड़ा बड़ा झंडा, बड़ा तिरंगा और पूरा तिरंगा मैं कर दो, ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा धोखा है। सरकार पत्रकार, सरकार अपना काम करेगी, मीडिया उनका गुणगान कर रही है, जनता को अपना काम करना चाहिए। इस देश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मतलब क्या होता है, किसी की जेब में पैसा है या नहीं, कोई गरीब है अमीर है, छोटी जाति है बड़ी जाति है, किसी गांव से आता है शहर से आता है, कोई कौन सी भाषा बोलता है, इससे न तय हो कि उसके बच्चे को इस प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मिलेगी या गलगोटिया अशोका में जाएगा, क्या उसके बच्चों को DU JNU अगर बर्बाद हो गए तो जहां 5,000 रुपये में पूरा साल पढ़ाई करते थे वहां 5,00,000 रुपये में केवल BA की डिग्री मिल रही है, तो गरीब आदमी को शिक्षा कैसे मिलेगी, 75 साल बाद का इस भारत का सवाल है कि नहीं। इस देश में अगर सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, कंधे पर लाश लेकर के कोई दौड़ रहा है तो क्या वो भारत आज़ाद है क्या। महोत्सव मनाए, कोरोना में लाखों लाख लोग पैदल चले, सड़क के किनारे दम तोड़े, रेल की पटरी के नीचे मरे, दवा के बिना मरे, ऑक्सीजन के बिना मरे, वो जश्न कैसे मनाए। इस देश में किसान सूखे से, कहीं बाढ़ से, कहीं सूखे से अपनी फसलें तबाह कर रहा है, किसानों की लागत का डेढ़ा क्या मिलेगा, उसकी लागत नहीं निकल रही है, उसके लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि खेती किसानी
नहीं, हम बने रहे नहीं तो बिक जाएगी, वो इस आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाए। मेरे स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, सरकारी बर्बाद कर दिए गए और हमारे रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे घर में पहले लोग पूछते थे कि बच्चा बड़े होकर क्या बनोगे, तो हम बड़े गर्व से कहते थे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, IAS PCS बनेंगे। और आज अगर हम पूछें कि बच्चा बड़े होकर क्या बनोगे, तो उसके पास तो नौकरी नहीं है, कैसे वो अमृत महोत्सव मनाए, इसका मेरी चिंता इस बात की है। इस सब की वजह से इस देश में हिंदू मुस्लिम की आग लगाई जा रही है। अफसोस मुझे ये है कि बहुसंख्यक आवाम इस खेल को नहीं समझ रही है। वो 500 रुपए 5 किलो अनाज पर वोट दे दे रही है, वो कांवड़ में व्यस्त है। अरे मैं पूछता हूँ कि कांवड़ होने, हिंदू धर्म को बचाने, अमृत महोत्सव को बचाने, इस देश के अधिकारी, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट, नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, उनके घर के बच्चे क्यों नहीं जाते भाई? धर्म को बचाना उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बतौर नागरिक मेरे देश का अमृत महोत्सव तब साकार होगा जब इस मुल्क के आखिरी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सुनिश्चित होगा। बिना इसके कोई अमृत महोत्सव का मतलब नहीं। जश्न वो मनाएं जो गणतंत्र के लोग हैं, वो तंत्र के लोग जश्न मनाएं। गण आज परेशान है, मैं गण के पक्ष में खड़ा हूँ। भारत की आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं इस 15 अगस्त को, उस पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है। ये किसी भी एक लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक के लिए खुशी की बात है। वो उसे अच्छा लगेगा कि कोई भी नागरिक है तो वो इस बात पे गौरवान्वित होगा कि उसके देश की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, और उस पर सब लोग अपने अपने ढंग से खुशी भी मना रहे हैं, खुशी मनाएंगे, लेकिन वो खुशी एक जैसी नहीं होगी। मतलब आज हम लोग अगर एक बार बतौर नागरिक इस सवाल को सोचें कि देश मतलब क्या, नागरिक होने के मतलब क्या हैं, अगर किसी पहचान को लेकर के अगर नागरिक के अंतर है, जैसे इस देश में गरीब होने में और अमीर होने में एक जैसे देश का रूपरेखा नहीं होगी। जैसे कोई त्यौहार पड़ता है तो त्यौहार गरीब अमीर के लिए एक जैसा नहीं होता है। किसी के पूरे महल सज जाते हैं दिवाली पर, कोई ईद पर लाखों रुपए की पार्टी करता है, किसी के घर में एक दीपक भी नहीं जल पाता है, किसी घर में एक मिठाई भी नहीं आ पाती। वैसे ही जो विभाजन है नागरिक में, नागरिक कोई एक आइडेंटिटी नहीं है, नागरिक बहुत तरह की चीज़ें। शहर में रहने वालों के लिए कोई पर्व, कोई उत्सव, कोई त्यौहार अलग मायने रखता है। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, अच्छे व्यापारी, अच्छे उद्योगपति, अधिकारी, उनके घर में तीज त्यौहार का अलग होता है। एक रिक्शे वाले, एक मजदूर, एक किसान के लिए वो चीज़ें अलग होती हैं। वैसे ही एक देश के नागरिक के तौर पर इस देश में जैसे महिलाओं की स्थिति क्या है, उनके लिए देश की वही परिभाषा नहीं है जो एक पुरुष के लिए है। वैसे ही इस देश में एक दलित के लिए, एक आदिवासी के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक पिछड़े तबके से आने वाले लोगों के लिए, मेहनतकश आम आवाम के लिए देश का मतलब एक जैसा नहीं है। इसलिए जो एक TV, मीडिया और चमक धमक वाला देश का रूप दिखाया जा रहा है कि पता नहीं कितने फुट की मूर्ति बनवाएंगे, पता नहीं कितने फुट का झंडा फहराएंगे, सब लोग अपने DP लगाओ। अरे भाई, जिसके ट्विटर फेसबुक ही नहीं है, जिन गांवों में लोगों के पास खाने को रोटी नहीं, उनके पास ट्विटर पे DP मतलब क्या होता है, इस देश के 80% लोगों को नहीं पता होगा। इस बात को भी इस देश में सोचना है।